इंदौर में कोरोना संक्रमण का असर अब त्योहारों पर भी दिख रहा है। रक्षाबंधन के नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ तो नजर आ रही है, पर साथ में संक्रमण का खतरा भी नजर आ रहा है। पर महामारी के असर से व्यापारी वर्ग अभी परेशानी में है। ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में त्योहारों पर महंगाई का असर भी छाया हुआ है। इसी के चलते व्यापारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा त्योहारों पर व्यापार के लिए छूट के चलते भीड़ बढ़ी है, पर अभी भी कई परेशानियाँ सामने आ रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक खुल गया है और अब व्यापारिक क्षेत्रों में भी धीरे धीरे खुल रहा है। ऐसे में अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो अब आपकी क्या तैयारियां हैं दुकानों में और अब किस प्रकार से तैयारियां चल रही है और लगातार देखा जा रहा है कि अब सामानों में भी महंगाई बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह देखने में सामने आ रही है? लॉकडाउन के चलते हुए रांची का बाज़ार पूरा ठंडा हो गया है और कुछ पुराना माल और कुछ नया माल मिला के हम व्यापार कर रहे हैं। प्रशासन ने सहयोग किया अभी 6 दिनों का और महंगाई तो ऑलरेडी लॉकडाउन का असर तो आएगा ही और समय हमारा 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का दिया है प्रशासन ने और राखियाँ अलग अलग तरह की हैं। इस बार कुछ महंगाई भी बढ़ी हुई है। महंगाई तो ऑलरेडी लेबर सही नहीं थी, नहीं इस चक्कर में थोड़ा सा लोड बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है। इस बार राखी तो प्राइस करीब 30% रेट बढ़ा है। संक्रमण को लेकर भी कुछ असर पड़ा है त्यौहार पर लेकर? असर पड़ा है राखियों में, लोग थोड़ा दूर दूर से ले रहे हैं, हाथ से थोड़ा राखी मचा ही है, व्यापार मचा है और फिर भी राखी का त्यौहार ऐसा है कि लोग मनाएंगे तो सही, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।